एक दिन एक लड़का दिल्ली जीबी रोड पर वेश्याओं से मिलने के लिए जाता है, और जैसे ही वहां पहुंचता है उस मालकिन से मिलता है, कहता है हमें लड़की चाहिए। लड़की से मिलने के लिए वो फोटो दिखाती है, और जैसे ही वो फोटो दिखाती है, दो चार फोटो इधर उधर करता है, और नीचे उसे फोटो पसंद आता है और कहता है ये लड़की हमें चाहिए। तो वो वही रूम बताती है जिसमें वो लड़की होती है, कहती है 65 नंबर रूम में ये लड़की मिलेगी, और उससे कहा इसके पैसे 300 रुपये अधिक लगेंगे। लड़का कहता है अगर ऐसी बात है तो 300 रुपये मैं आपको देता हूँ, और यही लड़की चाहिए। वो 300 रुपये दे देता है अधिक, और उसी रूम में 65 नंबर में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो गेट खोलता है, और गेट खोलने के बाद जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, तो क्या देखता है, वो लड़की नहीं है जो लड़की के रूप में होती है, उसकी पत्नी होती है जो 2 साल से गायब थी। उसे देख करके उसके होश उड़ जाते हैं। पत्नी जब उसे देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, अपने पति की जेट भर लेती है और रोने लगती है फूट फूट करके। पति कहता है कि दिल को धीरज बंधाओ, ऐसे नहीं आप यहां से निकल पाओगे, रोने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। पत्नी उसे पकड़ करके रोने लगती है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी जो बताने जा रहा हूं दिल्ली जीबी रोड कमरा नंबर 65 की है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा ही पावरफुल कहानी। इसे सुनेंगे आप तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे कैसे लड़की उस जगह पर पहुंचती है दोस्तों। ये लड़की पटना की रहने वाली होती है जिसका नाम होता है रजनी, और पटना का ही लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल। इनका विवाह हो जाता है लगभग 2011 में इनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद जो लड़की ये होती है थोड़ी चंचल स्वभाव की होती है, पति की बात पर हमेशा इग्नोर करती रहती थी, कोई तवज्जा नहीं देती थी। राहुल जो होता है उसके चलते कभी कभी दारू भी पी लेता था, क्योंकि पत्नी बात नहीं मानती थी इसलिए दोस्तों। उसके बाद एक दिन उसकी पत्नी अपने पति से नाराज होकर के और घूमने जब जाती है बाजार में, तो एक थोड़ी सी पहचान वाले आदमी से उसकी मुलाकात होती है। पहचान वाले आदमी से मुलाकात होती है तो वो पूछता है, बहन जी आप परेशान क्यों हो, आप इतनी दुखी दिखाई पड़ रही हो, बात क्या है? तो वो कहती है ऐसा है कि मेरा पति राहुल शराब पीता है, और मैं ये चाहती हूं कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं ताकि मैं भी कमाने लगूं, मैं इसे सबक सिखा सकूं। जो वो आदमी होता है वो दलाल किस्म का होता है, और वो कहता है कि आप रजनी बिल्कुल चिंता मत करो, आपको पगार मिलेगी कम से कम 30,000 रुपये महीना। मैं दिल्ली रहता हूं, जॉब करता हूं, अगर आप चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। रजनी कहती है अगर आप मेरे साथ ऐसा उपकार करते हो तो फिर बात ही बन जाए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं दोस्तों। दो चार दिन वो रुकता है, उसका नंबर लेता है, उससे बात करता रहता है, संपर्क में बनाए रहता है। जब वो दिल्ली जाने को तैयार होता है तो उस लड़की को अपने साथ ले लेता है, उस औरत को, रजनी। उसके पति को नहीं मालूम होता है और पति को बताती भी नहीं है, और वो वहां से चली जाती है, जो ट्रेन पकड़ती है उसके साथ, और वो दिल्ली लेके आ जाता है। दिल्ली जब आता है तो उससे कहता है कि आप चिंता मत करो, आपकी वो जॉब लग जाएगी जो किसी की न लगी हो, आप बिल्कुल चंगी रहोगी, ठीक ठाक रहोगी। एक बढ़िया से वीआईपी रूम में रुकाता है, और उसकी बढ़िया तरीका से खुशामद भी करता है, खाना पीना होटल पे खिलाता है, तो वो सोचती है कि हमारा जॉब अच्छा ही लगने वाला है। उसके 2-4 दिन के बाद वो जाता है जीबी रोड पर, और वहां की जो कोठे की मालकिन होती है उससे बात करता है। उससे जब बात करता है, बात करने के बाद में और उससे पूछता है कि एक लड़की है, मुझे ₹30,000 चाहिए, और आपको हम लड़की देंगे, बहुत सुंदर लड़की है, पहले भी 2-4 लड़कियां इधर सुधर करके आया था दोस्तों। उसके बाद में वो तैयार हो जाता है और वो पैसे देती है और उसका फोटो दिखाता है, बात बन जाती है। बोले अभी एडवांस में 5,000 रुपये ले लो, जब लड़की यहाँ आ जाए तो बाकी के पैसे ले लेना, बात हो जाती है। दूसरे दिन वो रूम पर पहुंचता है, उस लड़की को कहता है चलो तुम्हारी जॉब लगने वाली है, मेरे साथ चलिए,
और आपको वहां कर देते हैं कंपनी में। वो बड़ा खुशी से अपना बैग उठाती है और खुशी खुशी चलती है क्योंकि हमारी जॉब लगने वाली है। और जैसे ही जीवी रोड पर पहुंचती है, वहां लड़कियां महिलाएं देखती हैं, और वहां लेकर जब पहुंचती है वो लड़की, तो वो देख के समझ तो जाती है कि यहाँ तो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहने हुए श्रृंगार कर रही हैं, लोगों को बुला रही हैं, कुछ दाल में काला है। तब तक वो अंदर प्रवेश हो जाता है और कहता है कि यही लड़की है। उसकी कोठे की मालकिन होती है, पहले तो उसे अच्छे रूम में ले जाती है और कहती है आप चिंता मत करो, आपकी जॉब लग जाएगी। उसे पैसे देने के बाद वो लड़का होता है वहां से चला जाता है। वो आदमी वहां से चला जाता है, उसके बाद में जो कोठे की मालकिन होती है और उसे कोठे पर कहती है कि जो लड़कियां काम करती हैं यही तुम्हें करना पड़ेगा, यहाँ वेश्यावृत्ति का काम होता है, तुम्हें आने वाले जो कस्टमर हैं उन्हें खुश करना होगा, उनके साथ तुम्हें रहना होगा और उसकी हर बात तुम्हें सुननी होगी, जो भी करना है। वो लड़की मना करती है लेकिन उसे पिटाई लगाई जाती है। रजनी को पिटाई लगाई जाती है, कहीं की नहीं रहती, खाना पीना नहीं दिया जाता, उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है और उसे रूम में किया जाता है। दोस्तों पहले ही दिन उसके लगभग 5 आदमी उसके पास आते हैं और उसके साथ संपर्क करते हैं, उसके साथ रंगरेलियां मनाते हैं और उसे जब होश आता है तो फिर उसे इंजेक्शन दिया जाता है। 10-15 दिन तक उसका यही हाल किया जाता है और उससे वही काम करवाया जाता है। दोस्तों जाए तो जाए कहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी ये दशा थी। दोस्तों उसके बाद में जब वो रहने लगी, 1 साल हो गई, इधर उसका पति जो होता है राहुल उसे चारों तरफ खोजता है लेकिन रजनी का कोई अता पता नहीं मिलता। जब उसका पता कोई नहीं मिलता तो वो भी घर छोड़ करके दिल्ली नौकरी करने के लिए आ जाता है। दिल्ली नौकरी करने के लिए जब आता है, 6 महीने नौकरी करता है, उसके बाद में उसका एक दोस्त इधर उधर मिलने जाता था, तो वो भी जीवी रोड पर एक दिन गया तो उसने उसकी पत्नी को देखा तो पहचान लिया। पहचानने के बाद उसको बताया, तुम्हारी पत्नी मुझे लगता है 100% वहां वेश्यालय में दिखाई दी जीप रोड पर। जब वो सुनता है तो वो भी वहां पहुंचता है। वो जब जाता है और फोटो देखता है तो पहचान तो पहले ही लेता है लेकिन मालकिन के सामने ये बात नहीं बोलता। सौदा करता है लेकिन मालकिन कहती है इस लड़की की मिलने के लिए 300 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, लेकिन बोलो उसका पति राहुल कहता है आप चिंता मत करो 300 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, यही लड़की मिलनी चाहिए। वो पैसा देता है और उस रूम में पहुंच जाता है। जब 65 नंबर रूम में पहुंचता है तो उसकी पत्नी छोटे कपड़े पहने हुए और सोलह श्रृंगार किए हुए एक बेड पर लेटी हुई है। जैसे ही वो प्रवेश करता है अपनी पत्नी को देखता है और पत्नी उसे देखती है तो राहुल के होश उड़ जाते हैं, काश मेरी पत्नी इस जगह। जब उसकी पत्नी देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है, उसके पांव पकड़ लेती है। राहुल को देख करके जब रोने लगती है तो राहुल कहता है कि शांति बनाइए, अगर किसी ने सुन लिया तो अभी आ जाएगा और वो परेशान करेगा, बहुत दिक्कत करेगा और हमें और आपको यहां से अलग कर देगा। दोस्तों इसके बाद में वो लड़की जो होती है रोने लगती है और कहती है कि मुझसे भूल हो गई। राहुल कहता है कि मैंने तुमसे 1000 बार कहा, तुमने अपने चलते मेरी कोई बात नहीं सुनी और तुम मुझे बगैर बताए टॉर्चर करती रहती थी, बगैर बताए घर से यहां तक चली आई, तुमने कभी कुछ फोन नहीं किया, मैं कितने दिन तक आपको खोजता रहा। लेकिन रजनी होती है कहती है कि मुझे एक आदमी मिला था, वो पहचान वाला था, वो यहाँ लेकर के झांसा देकर आया कि 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, उसने वहां पर मुझे बेच दिया है, मुझे आप कैसे ही करके इस दलदल से निकाल लो तो मेरी जिंदगी बच सकती है। उसे पूछता है कि आप बताइए, आपने मेरी बात नहीं मानी, उसका खामियाना यहाँ भोगना पड़ रहा है, आप तो एक वेश्या की वृत्ति की हो चुकी हूं, मैं क्या करूंगा तुम्हें ले जा करके। लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि अनजाने में कुछ भी हो सकता है, मुझे प्लीज बचा लीजिए, मेरी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, अगर आप नहीं बचाओगे तो फिर क्या होगा। लेकिन उसे दया आती है और कहता है कि आज नहीं, मैं तुम्हें कल या परसों लेकर के जाऊंगा, किसी को बताना मत कि यहाँ पर राहुल आया था। घंटे 2 घंटे व्यतीत करता है, वहां से चला जाता है। जाने के बाद वो पुलिस से मिलता है, पुलिस से मिलने के बाद वो कहता है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी उस जगह फंसी हुई है, रेड अलर्ट डालनी है।
पुलिस की मदद लेता है। मदद लेने के बाद और उस कमरा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। पुलिस जब देखती है उसकी पत्नी जो होती है रजनी वहां पर मिलती है। उसे लेकर के जब बाहर आते हैं तो वहां भी हंगामा खड़ा होता है, लेकिन पुलिस उसे सुरक्षित लेकर के अपनी कस्टडी में और थाने लेकर आती है। उसके बाद में उस राहुल को उसकी पत्नी सुपित की जाती है और उसकी पत्नी जहाँ राहुल नौकरी करता था उसी जगह लेकर के आता है। जब उसे लेकर के आता है तो राहुल पूछता है कि रजनी तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी एक बात नहीं मानी थी, तुम हमेशा अपने ही खिलवाड़ में रहती थी, इसका खामियामा तुम्हें भुगतना पड़ा आज। दोस्तों राहुल ने ये काम सही किया या गलत किया कमेंट करके अवश्य बताइए। पत्नी हमेशा सोच नहीं पाती है, औरत सोच नहीं पाती है, कभी भी गलत कदम उठा ले और उसे कोई पता नहीं रहता। दोस्तों इस प्रकार से रजनी पछताती है और पति से विनती करती है कि आज के अलावा ऐसा कभी हो नहीं सकता। दोस्तों हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। एक बात का ध्यान रखना, पत्नी गाड़ी के पहिया होते हैं। पत्नी अपने चलती कुछ भी कर सकती है, पति की बात नहीं मानती है, वो स्त्री हमेशा धोखा खाती है। क्योंकि घर बनाना बिगाड़ना स्त्रियों के हाथ में होता है, चाहे वो बना ले चाहे वो बिगाड़ ले चाहे कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री कर सकती है। स्त्री के हाथ में ही तो घर होता है, न कि दूसरे के नहीं होता। दोस्तों यही तो बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग घर को सचेत करके चलिए, मेरी बात समझिए। आप बात नहीं समझते हैं, क्योंकि घर बर्बाद होता है लड़कियों की खुद की मर्जी से। लड़का फिर शराब पीने लगता है और उसके बाद में लड़कियां जी चाहे जहां चली जाती हैं, फिर वो पछताती है, लड़का दूसरी से शादी कर लेता है, कुछ नहीं होता, घर परिवार बर्बाद होते रहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।